हरिद्वार की शिवालिक नगर कॉलोनी के L15 क्लस्टर में स्थित अमन ज्वेलर्स ज्वेलरी शॉप पर 8 जून को 6 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था। घटना के दौरान व्यापारी ने साहस दिखाते हुए एक बदमाश को मौके पर ही पकड़ लिया था, जबकि दूसरे बदमाश काउंटर पर रखे सोने के जेवर लेकर भाग निकले थे। लूट का प्रयास करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि ये आरोपी वाहन की चोरी भी करते हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं। तारीख को शिवालिक नगर में अमन ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े बदमाशों ने धावा बोला था और लूट का वहाँ पर कोशिश की थी और काफ़ी माल लूट के भी ले गए थे। जो उसके मालिक हैं श्री प्रदीप कुमार, इनके द्वारा काफ़ी साहस का परिचय देते हुए एक बदमाश को वहाँ पर पकड़ लिया गया था। इस बदमाश को पकड़ने से निश्चित रूप से पुलिस की जो काम था वो तुलनात्मक रूप से आसान हो गया। जो चीज़ हमको 2 दिन बाद लीड मिलती वो हमको उसी दिन मिल गई। और इस बात के बावजूद कि लगातार यहाँ पर मेले चल रहे थे, यहाँ पे गंगा दशहरे का मेला था, काफ़ी और चीज़ों में हम लोग इंगेज हैं, तो दिन रात पुलिस ने इसमें काम किया। जो पकड़ा गया व्यक्ति था ये एक बड़ी जिसको बोलते हैं साजिश कह लीजिए या एक जो बड़े गैंग का एक छोटा सा ये सदस्य था जो कि बाद में इसमें जुड़ा हुआ था। और इसके द्वारा शुरू में काफ़ी भ्रामक जानकारियाँ भी दी गई, परंतु लगातार इसके द्वारा दी गई जानकारियों को वेरीफाई करते हुए, उनको करेक्ट करते हुए, इससे बार बार पूछताछ करके धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इस पूरे गैंग का पता लगाया गया और कल इसके 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है लक्सर थाना क्षेत्र से, जिनसे कि घटना में जो लूटा गया सामान है उसमें से काफ़ी सामान बरामद हुआ है। पूछताछ में ये भी पता चला कि ये लोग मोटरसाइकिलों की चोरी भी किया करते हैं और पूछताछ में इनसे 8 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं जो विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई हैं। कुछ 2020 की हैं, कुछ 2022 की हैं मोटरसाइकिलें। उन्होंने बताया कि ज्वेलरी की दुकान से लूटा हुआ माल आरोपियों के पास से बरामद हुआ है। बता दें कि बदमाशों के पास से 8 बाइक भी बरामद हुई हैं जो चोरी की हैं। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए रामपाल सैनी की रिपोर्ट।